पाकिस्तान ड्राइव में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपको होस्ट असलम मोहम्मद और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद में और यहाँ की जो है वो मशहूर बिरयानी आज हम आए हैं टेस्ट करने के लिए। कौन सी बिरयानी? गौसिया नली बिरयानी, जो यहाँ की बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। बड़ी दूर दूर से जो है वो लोग यहाँ पर इसको खाने के लिए आते हैं और हम भी आज जो है वो इसको टेस्ट करते हैं और इसका जो है वो रिव्यू आपसे शेयर करते हैं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं अंदर और दिखाते हैं कि इस गौसिया नली बिरयानी में ऐसा क्या है जो लोग यहां पे दूर दराज से खाने के लिए आते हैं। तरीक़ेकार वो ये है कि पहले आपको जो है वो यहां से एक स्लिप लेनी पड़ती है काउंटर से। वो काउंटर सामने इनका लगा हुआ है, वो आपको कैमरामैन हमारा दिखाएगा। वहाँ से जो है वो ये स्लिप मिलती है और सादी बिरयानी जो है वो इनकी 340 रुपये की हाफ़ के जी है और नली बिरयानी जो है वो 440 रुपये। ये भाई फुल धुआंधार बिरयानी जो है वो स्टार्ट हो गई है निकलना और आप देख सकते हैं कि इसमें नली भी जो है वो आ गई है, ये इसमें से नलियां निकल रही हैं। नली से घी निकालने का जो प्रोसेस है ये, और ये भाई हमें खुद निकाल के दे रहे हैं और ये आप देख सकते हैं काट दे भैया। ये हमारी जो है वो नली बिरयानी आ गई है हमारी और अब हम इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका किस तरीके का जो है वो टेस्ट है, आपसे इसका रिव्यू शेयर करते हैं। वाह भाई वाह, बाकी अगर ये बिरयानी को मशहूर हुई है तो नली की वजह से ही हुई है क्योंकि इसमें जो उसका घी का टेस्ट आ रहा है वो नो डाउट बहुत ही आउट क्लास है। बहुत ही बेहतरीन किस्म का इसका टेस्ट है। मैं ये कहूँगा कि अगर बाकी लोग दूर दूर से इसको खाने के लिए अगर आते हैं तो गलत नहीं आते, बिल्कुल सही आते हैं क्योंकि ये बाकी बहुत फेवरेट है लोग अपने टेस्ट की वजह से। बहुत ही आला ज़बरदस्त सर जो है वो कुछ कस्टमर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि नली बिरयानी यहाँ पर खाने के लिए आए हुए हैं। आइए उनसे भी ज़रा बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको ये टेस्ट कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर कितने टाइम हो गया आपको यहाँ पे जो है नली बिरयानी खाते हुए? सर मैं तो यहाँ तकरीबन 6-8 महीने से खा रहा हूँ, माशाल्लाह काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को खाने में। कैसा टेस्ट रहा इसका? बहुत जायका आता है माशाल्लाह। मैं न्यू कराची गोधरा से आता हूँ खुसूसी बिरयानी खाने के लिए। ये तो भैया देखा आपने कि जो है वो भाई जो है वो न्यू कराची गोधरा से यहाँ पे जो स्पेशली वो बिरयानी खाने के लिए आते हैं और नो डाउट ये जो है इस काबिल है कि लोग इसको दूर दूर से खाने के लिए आएँ। जी तो नाज़रीन ये था हमारा आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं कि आपको भी जो है वो बिरयानी जो टेस्ट करने में मज़ा आएगा यहाँ पर के खाने में, तो इधर ज़रूर आइएगा और बिरयानी इनकी जो है वो ज़रूर टेस्ट करें और इंशाल्लाह आपको मज़ा आए। यहाँ जो गौसिया नली बिरयानी के जो ओनर हैं उनसे हम जानते हैं कि उनको यहाँ पे कितना टाइम हो गया और ये नली बिरयानी का जो वो आइडिया उनके माइंड में कैसे आया था। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह करम एहसान। सर पहले तो ये बताएं कि माशाल्लाह से जो गौसिया नली बिरयानी का जो नाम है और इसका जो वो आइडिया किस तरीके से आपके दिमाग में आया? इसका जो आइडिया है हमारे वालिद साहब ने निकाला है, सब कुछ जो इसकी रेसिपी है ना सारी हमारे वालिद साहब ने निकाली है और हम 92 से यहाँ पे यानी कि माशाल्लाह 1992 से आप यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ये इसको जो याद करने वाले हमारे वालिद साहब ने, पहले हम बिरयानी चलाते थे नली बिरयानी, हमने तकरीबन 4 साल हुए, 4-5 साल हुए नली बिरयानी स्टार्ट हुए
हमने भी ले ली। अच्छा, मतलब ये बिरयानी तो बहुत सारी जगहों पे मिलती है और यहाँ पे जो मतलब एक मशहूर होने का मेरा ख्याल राज भी यही है कि वो आपने जो नली इसमें ऐड की है। ये भी है और इसके अंदर जो है ना जायका अलग ही है बिल्कुल, ये दूसरी बिरयानियों से हटके बिरयानी है। यानी कि ये बिरयानी ऐसी होती है ना, इसमें घी ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डलता। नली का गूदा होता है ना, नली के गूदे में बनती है। और हमारे अपने जानवर जीबा होते हैं, गोश्त भी वीआईपी होता है एकदम। मतलब ये बीफ में ही सब चीज़ें बिरयानी। यानी कि दूसरी बिरयानी है ना, उससे हटके अभी कुछ बनाने का तरीका भी अलग है। अच्छा, इसके आपकी कोई और ब्रांच है? हमारी यही ब्रांच है लियाकताबाद। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं वो अपनी जो है वो फ्रेंचाइज जो है वो दूसरों को सेल आउट करते हैं, तो आपका भी इन फ्यूचर कोई ऐसा इरादा है? हमारे पास तो बहुत आते हैं अपनी हमारी यानी कि फ्रेंचाइज के लिए, यानी कि बहुत आते हैं, बोलते हैं हमारे को दे दो हमारे को दे दो, मगर हम नहीं करते हैं। हमारे पास यही है कि मतलब आपने माइंड एक बनाया हुआ कि आपने सिर्फ इसी जगह को रन करना है, इसी को करना है और यहाँ से आगे भी निकलेंगे इंशाल्लाह। सही है। तो मतलब अगर कोई इन फ्यूचर आपसे कोई बड़ा ब्रांड आपसे कांटेक्ट करे कि भाई मुझे ये आपका नाम चाहिए? नहीं नहीं, ये काम हम खुद करेंगे, यानी इसको हम खुद आगे लेके चलेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। भाई इनका जो है वो कोई और इरादा नहीं है फ्रेंचाइज मतलब सेल आउट करने का, और ना ही कोई दूसरी ब्रांच इनका बनाने का कोई इरादा है, क्योंकि माशाल्लाह यहीं पे लोग जो है वो पूरे कराची से खाने के लिए आ जाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।